नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों ने अब फिर से तूल पकड़ लिया है। यही वजह है कि फ्रांस की सरकार ने राफेल सौदे की जांच के लिए जज की नियुक्ति कर दी है। दावा किया जा रहा है कि इस जांच में कई वीआईपी घेरे में आ सकते हैं। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच ने कहा है कि सौदे को लेकर लगाए गए भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों की जांच की जाएगी। इस जांच के बाद राफेल सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फ्रांसीसी ऑनलाइन जर्नल मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार 36 राफेल जेट्स के लिए भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे में संदिग्ध भ्रष्टाचार और पक्षपात की जांच की जाएगी। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब फ्रांस एनजीओ शेरपा ने मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने इस मामले में कई रिपोर्ट प्रकाशित की थी। साल 2018 में भी शेरपा ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन तब पीएनएफ ने इसे खारिज कर दिया था। राफेल फाइटर जेट की डील 7.8 बिलियन यूरो की थी। शुक्रवार को फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने बताया कि 14 जून को एक मजिस्ट्रेट के द्वारा मामले की आपराधिक जांच शुरू की गई थी। जांच में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, जो राफेल सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने के समय पद पर तैनात थे, और वर्तमान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो उस समय वित्त मंत्री थे, उनके कामकाज को लेकर भी सवाल किए जाएंगे। तत्कालीन रक्षा मंत्री और अब फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियान ये सभी चीज़ों से जुड़ी मामलों में पूछताछ कर सकते हैं। डसॉल्ट एविएशन की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इससे पहले कंपनी की तरफ से इस बात को लेकर इनकार किया गया था कि इंडो फ्रेंच डील में कोई धांधली हुई है। भारत ने 2016 में फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमानों की डील की थी, जिसके तहत भारत को 30 लड़ाकू और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की डील हुई थी। फ्रांस ने भारत को राफेल विमानों की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। भारत को अब तक फ्रांस से कुल 14 राफेल विमान मिल चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।